राज हुआ करता था और चित्तौड़गढ़ में राणा रतन सिंह जिन्हें राणा भीम सिंह के नाम से जाना जाता है उनका राज हुआ करता था। मेहरबानो उनके घर में जो पत्नी थी उनकी पद्मावत बेहद खूबसूरत थी। अलाउद्दीन खिलजी को किसी के द्वारा पता लग जाती है कि राणा भीम सिंह के घर में जो पत्नी है पद्मावत बेहद खूबसूरत है, उसे देखने की ललक पैदा हो जाती है और चित्तौड़गढ़ पहुंच जाता है। मेहरबानो जाकर के जब पहुंचता है भीम सिंह बड़ा आदर सत्कार करते हैं। अब तो बातों ही बातों में खिलजी कह देता है कि हम तेरी पत्नी को देखने के लिए आए हैं। प्रेमी साथियों इतनी देर में क्रोध में कपूर भीम सिंह यूं कहने लगा कि अतिथि देवो भव, ये संस्कार और संस्कृति है हमारी, तू मेरे घर पे आया है अतिथि के रूप में है इसलिए तेरी इज्जत की जा रही है, वरना जितनी तूने बात की है इतनी देर में मयानों से शमशीर अलग हो जाया करते हैं, सर से धर अलग कर दिए जाते हैं। मेहरबानो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था राणा जी, मैंने उस देवी के रूप के चर्चे सुने हैं, मैं उसके रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। मेहरबानो अब तो एक योजना बनाई जाती है, एक दर्पण एक शीशा लगाया जाता है और कहा जाता है इसके सामने से जब पद्मावत गुजरे उसके रूप की झलक पड़े वो देख ले, क्योंकि इस तरह से हम अपनी नारियों को नहीं निकाला करते। ऐसा ही होता है, एक दर्पण एक शीशा लगाया जाता है और उसके सामने से रानी पद्मावत को गुजारा जाता है। जब वहां से निकलती है और उसके रूप की झलक उस शीशे पर पड़ती है मोहित हो जाता है। यूं कहने लगा रे राणा जी कभी हमारी दिल्ली में आइए आपकी खातिरदारी करेंगे। वो सादा भोला भीम सिंह दिल्ली पहुंच जाता है, कैद कर लिया जाता है और परवाना भेज दिया जाता है चित्तौड़गढ़ कि जब तक रानी पद्मावत का डोरा नहीं लाया जाएगा जब तक राणा भीम सिंह की कैद को नहीं छोड़ा जाएगा। मेहरबानों जैसे ही परवाने को पड़ती है वो रानी पद्मावत, आंखों में झरझर आंसू बहने लगे, एक तरफ मेरा धर्म है और एक तरफ मेरा पति है, करूं तो क्या करूं। भीम सिंह का भांजा गोरा जो कि चंदेरी राजधानी में था उससे मदद लेने के लिए पहुंचती है और जाकर के वहां देखती है कि औरतें गीत गा रही है, बादल के सर पर मोड़ रखा हुआ है, औरतें गीत गा रही है, गुड़चड़ी हो रही है, शादी की तैयारी है, इससे बातें करूं तो कैसे करूं। मेहरबानो औरतों के बीच में जाकर के खड़ी हो जाती है और एक गीत उठाती है, गीत के माध्यम से बादल से बात करती है, रे बादल जिस शादी को तू रचाने के लिए जा रहा है ये शादी बाद में भी हो जाएगी, पहले अपने मामा की कैद को छुटा दे, बात आज धर्म की है, किस तरह से कौन सा गीत उठाती है, क्या गीत गाती है, गीत के माध्यम से कैसे बातें कर रही है, आइए रागिणी दरबार ये लिखा वाला कैसे फरियाद मेरी ओरे सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, लक्ष्मण सिंह सिंगल जी जिन्होंने फूल मालाओं से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजानी चाहिए। पहली कली के माध्यम से अपना परिचय दे रही है, गीत गा रही है, दूरी बनी हुई है औरतों के बीच में जाकर के और गीत के माध्यम से अपना परिचय देती हुई बादल से कैसे बात कर रही है ये लिखा बना।
आर्या साउंड एंड सर्विस बुलंदशहर इस ऐतिहासिक रागनी पे खुशवर कर देते हैं भाई साहब के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। जोरदार ताली हो जानी चाहिए। तीसरी कली के माध्यम से समझाने लगी है बादल, आज वो खिलजी जो दिल्ली का शहंशाह है, सुल्तान है, अपने जोर में आकर के तेरे मामा को कैद में कर लिया है और मेरा डोला मांग रहा है, लाडले मेरे धर्म को बचा ले, किस तरह से क्या समझाने लगी बोला। ओ भाई मेरे खिलजी डोला मांगता आके जाता जोर में, खिलजी डोला मांगता आके जाता जोर में, ढिंगा ढिंगी में धांगता पंधा पाप की डोर में, ढिंगा ढिंगी में की कैद को छुटा ले, किस तरह से क्या कहती है बला गीत के माध्यम से। शादी
शादी कर ले, शादी करना बाद में खूनी धर दे मोड़ तू, शादी करना बाद में खूनी धर दे मोड़ तू। वीर सिंह के साथ में पहुंचे बीच तोड़ तू, वीर सिंह के